Okay, we are set for the Unacademy Road Safety World Series toss. Where you go? Tails, please. Tails is the call. Heads it is. Right, what have you decided to do? We're going to have a bowl. India won the toss, and they're going to have a bowl first. Let's crack it! Whoa! Or movement. लेकिन उसके बावजूद इनकी अपनी रेपुटेशन है. आह, आहा! के दायरे के अंदर है. डीप में कोई खिलाड़ी नहीं है. खराब गेंद. और मुझे लगता है इस सोच को बदलना होगा. सिंगल नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद गई है युवराज के पास. एक ओवर समाप्त. 12 बिना नुकसान. लेकिन अगर आप घबरा के डालेंगे तो फिर आपका यह हाल करेंगे पीटरसन. Unacademy cracking six. पहली बॉल पर बॉल हाथ से निकली ही नहीं. सामने पीटरसन हो तो बड़ों बड़ों के हाथ में बॉल रह जाती है डिलीवर होने से पहले. हाफ ट्रैकर. और अगर ऐसा शॉट लगेगा तो फिर बाउंड्री रोप की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखिए गेंद गई कहां है. बाउंड्री रोप छोड़िए, ये तो बिल्कुल दर्शक दीर्घा के पास जाके गिरी है. और फ्लाइट करके इनवाइट करें और कोशिश करें उन्हें आउट करने की. इस बार फ्लाइट करने की कोशिश लेकिन फुल टॉस में तब्दील किया केविन पीटरसन के. ओह, गोइंग गोइंग गॉन. एक और अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स. और इसीलिए रिवर्स स्वीप. समझ बूझ की बल्लेबाजी. चार रन. और बढ़िया शॉट बेहतरीन टाइमिंग के साथ. और यह है क्लास प्लेयर की निशानी. चढ़ी नहीं बॉल बल्ले पे लेकिन फिर भी चार रन मिल जाएंगे. एज और क्या बेहतरीन कैच है. नमन ओझा. लाजवाब कैच. आखिरकार सफलता मिलती हुई भारतीय लेजेंड्स को. इंडियन लेजेंड्स के नाम पहली विकेट. और मस्टर्ड को जाना होगा वापस. बढ़िया डिलीवरी थी. बहुत अच्छी डिलीवरी. लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने के लिए ये परफेक्ट डिलीवरी थी. ऑफ स्टंप पर पिच की थोड़ी सी बाहर निकली. और क्या कैच पकड़ी है. जितनी भी तारीफ की जाए नमन ओझा की इस कैच की उतनी ही कम होगी. और इसीलिए आड़े बल्ले का शॉट. चार रन भी मिल जाएंगे. जेनरेट कर रहे थे पिछले मैच में लेकिन उस गति का फायदा मिलेगा बल्लेबाज को. फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं लेजेंड यहां पे इस टूर्नामेंट के अंदर. पर फिलहाल तो एंजॉय करती हुई इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम. चार और आखिरी गेंद पे रहता है. ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे पूरी तरह से क्योंकि नो बॉल का इशारा. एक और फ्री हिट. कॉन्टेस्ट विनर है और ये ऑन साइड में खेला है सुंदरता के साथ. और गेंद सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. केविन पीटरसन ने तो कमाल कर दिया. 38 पर बैटिंग कर रहे हैं. केवल 14 बॉलों का सामना किया है. और कितनी जल्दी लाइन और लेंथ को पिक करते हैं. ये बैक फुट पर गए और पुल कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से. अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स. और फिर से शॉट ऑफ लेंथ और फिर पुल. वही परिणाम. फिर से अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स. ऐसा लगा ही नहीं कि कभी क्रिकेट से संन्यास लिया हो. इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं. जादूगर की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं. फास्टेस्ट 50 हो गया पीटरसन का क्योंकि इससे पहले फास्टेस्ट 50 था 20 बॉल में वीरेंद्र सहवाग का. पीटरसन ने अपना ये अर्धशतक पूरा किया 18 बॉल्स में. और क्या एंटरटेन किया है. क्या मनोरंजन किया है. जितना क्राउड अलाउड है. जानते हैं कि प्रेशर में होंगे प्रज्ञान ओझा क्योंकि उनका पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था. इस बार शॉर्ट बॉल खेल दिया उसे पॉइंट बाउंड्री की तरफ. वापस मोहम्मद कैफ मौजूद. अच्छी कोशिश लेकिन रोक नहीं पाए. और एक और बाउंड्री इंग्लैंड के लिए. बहुत अच्छी कोशिश की थी वहां पे. पर चलते वक्त शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और पुल किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ. चार रन. गेंद के बाउंड्री लाइन के अंदर टप्पा खाया और फिर बाहर निकल गई. चार रन. बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी. लगभग 10,000 से अधिक लोग आज मौजूद हैं. और ये उठाकर मारा है ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की तरफ. और ये कैच यहां पर लेने की कोशिश की थी लेकिन छूट गया. चार रन भी मिल गए.
लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी वहां मौजूद मनप्रीत गोनी दौड़ के आए बॉल तक पहुंच गए थे, उसके बाद ठीक से जज नहीं कर गति में परिवर्तन करके फंसाया जरूर था लेकिन कैच नहीं। और इस बार मुनाफ पटेल कोई गलती नहीं और इस तरह दूसरा विकेट काफी देर के बाद, ये थोड़ा अपर कट की तरह चला गया था लेकिन जिस दिशा में खेलना चाहते थे वहां तो नहीं गया। शोफील्ड अब क्या करेंगे और इस बार उठाकर मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑन पर कैच के रूप में जा रही है लेकिन उसके ऊपर से निकल गई। अच्छा और जोरदार अपील और बड़ी विकेट, बड़ी मछली फंसाई इरफान पठान ने, शॉर्ट पिच गेंद थी, केविन पीटरसन को वापस जाना होगा, फंसाया। गजब की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और काफी ऊंची उठी टप्पा खाने के बाद और जैसे ही हुक करने की कोशिश की थी ये देखें टॉपेज लग गया, सीधा विकेट कीपर का ग्लोव है। नमन ओझा ऐसे कैचेस जब वो तब भी लेते थे जब 9 वर्ष के थे। बैकफुट पे जाके बड़ी हिट, अन एकेडमी क्रैकिंग सिक्स और इस बार स्विच हिट किया बाउंड्री लाइन के अंदर, पहले टप्पा खाया और फिर बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन चाहिए गेंद सीमा रखे एक बार। ग्रीन बॉल, अच्छी वापसी यूसुफ पठान द्वारा, धीमी गति की गेंद थी, हवा में लटकाई और शोफील्ड भी लटके उस गेंद को पढ़ नहीं पाए, बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे थे और आखिर यही हुआ कि गेंद की लाइन उनके आड़े बल्ले से पूरी तरह मिस कर गए गेंद की लाइन और ये देखिए किस तरह ये ऑफ स्टंप पर लग गई आउट। कबीर अब मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए और यूसुफ पठान ये कट करने की कोशिश और आउट, तुरंत ही आउट हो गए, अभी अभी आए, अभी अभी वापस जा रहे हैं। भारतीय लेजेंड द्वारा यूसुफ पठान के बाहर कट करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा, नमन ओझा बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे, कबीर अली जी हाँ जानते हैं खुद ही। ओ दूरी मिलेगी नहीं, विकेट होनी चाहिए ये, ओह पहले बहुत तेजी से भागे फिर थोड़ा सा स्टटर कर गए रुके और उतने में ही देर हो गई बॉल तक पहुंचने में। बैट्समैन ने तो सोच लिया था कि किसके पास ये कैच गई है ये पकड़ी जाएगी और ये बहुत कम मोहम्मद कैफ को कम कैचेस छोड़ते हुए और इस बीच एक और जबरदस्त हिट, ऐसा लगता है मांसपेशी में खिंचाव हो गया उस बड़े शॉट को लगाने के बाद गैविन हैमिल्टन के। जी हाँ शॉट तो बहुत बढ़िया लगाई थी। में देखने का भाग्यशाली भाग्यशाली रन है ये जेम्स ट्रेडवेल के लिए, चार और जोड़ लीजिए। बॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादा स्पीड नहीं दे रहे इस बार, अच्छी बॉल और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं ट्रेडवेल ने, जिस तरह के अमूमन T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं थोड़ा सा फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, तेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसुफ पठान ने सोच लिया कि वो स्पीड नहीं देंगे बैट्समैन को ताकि मुश्किल हो। क्रिस ट्रेमलेट स्ट्राइक पे होंगे, ओ हो बड़ा शॉट तो है और चार भी है, शॉट शॉट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी और ये चार और वेस्ट इंडीज का गेंद और ग्रीन बॉल। जिंदगी के सफर में छोटा सा सवाल हूं लेकिन दोस्त कहते हैं लाजवाब हूं, क्या बात मुनाफ पटेल, लाजवाब यॉर्कर। चलिए राइट साइड बॉटम स्ट्राइक पे, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, रन मिल जाएगा 22 के रूप में, 188 रन, बड़ा स्कोर इंग्लैंड लेजेंड्स ने स्कोरबोर्ड पे डाल दिया है। जो उम्मीद करते हैं भारतीय लेजेंड्स इस स्कोर को क्रैकेट कर पाए, बनाए T20 क्रिकेट में और पहली बॉल पर कदमों का इस्तेमाल, चार बॉलें डाली है अब तक
स्वीप शॉट कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वन बाउंस चौका। फ्लाइट डिलीवरी थी लेग स्टंप के ऊपर जिसका कि पूरा फायदा उठाया सचिन तेंदुलकर ने, और ऐसा लगता है पहले ही इरादा कर लिया था कि अगर लेग स्टंप के ऊपर गेंद डाली तो इस तरह का शॉट खेलेंगे। डीप कवर्स पे अगर खिलाड़ी है तो वीरेंद्र सहवाग बॉलर के सर के ऊपर से जड़ देंगे चौका। दमदार खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, ये उन बैट्समैन में से हैं जो डिक्टेट करते हैं टर्म्स, जो जो बॉलर को मजबूर कर देते हैं उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में बॉल करने के लिए। और जैसे ही देखा था कि ये बॉल उनके बॉलर के सर के ऊपर से खेली जा सकती है, चूके नहीं किया बाउंड्री पर। इस बार खेली गई है बॉल हवा में, फील्डर वहां मौजूद और बहुत बड़ा झटका। तारीफ करनी होगी पीटरसन की, जहां पर फील्डर रखा था वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट चेस करना है इंडिया को और उसके लिए बहुत जरूरी था वीरेंद्र सहवाग रन्स बनाते। ये हो सकता है betway.net मोमेंट ऑफ द मैच। अच्छे अंदाज से कलाइयों का उपयोग, हाथ से गेंदबाज की गति का क्या इस्तेमाल, और मॉन्टी पनेसर उन्होंने लगा दिया। लेकिन ये फायदा मिलता है बोलर्स को जब इतना बड़ा स्कोर भी हो आपके पीछे, फिर आप बेफिक्र होकर गेंदबाजी करते हैं इंडियन लेजेंड्स के लिए। बढ़िया डिलीवरी, फ्लाइटेड बॉल थी, एक निमंत्रण सा था सचिन तेंदुलकर के लिए। यहां से इंडियन लेजेंड्स के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेल बॉल्ड मॉन्टी पनेसर, एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट किया। बहुत बढ़िया शॉट, इंतजार किया था गेंदबाज की गति का किया इस्तेमाल और गैप में खेला। बहुत ज्यादा थी लेकिन डायरेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती थी। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, जैसे ही रूम मिला ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया प्लेसमेंट किया था युवराज सिंह ने। और कुछ इसी तरह से स्कोरबोर्ड चलाते रहने की जरूरत होगी इंडियन लेजेंड्स को। लेग स्टंप के ऊपर ये बॉल पैड पर लग कर गई। हालांकि जिस तरह की उनकी बॉडी है, मैं पहले मैच से ये सोच रहा हूँ कि उनका हाथ घूमता कैसे होगा। साइड बॉटम और आते ही ये लगता है कि हिट विकेट हो गई, वापस जा रहे हैं। अच्छी डिलीवरी थी और फिसल गया पिछला पैर। सामना कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और यहाँ पर कट किया थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बैट का मुंह खोलकर चार रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, दर्शकों में एकदम प्रसन्नता का वातावरण। बड़ी चतुराई के साथ खेला था, स्पीड का फायदा उठाया, केवल बैट का फेस भर खोल दिया। और कुछ इसी तरह से इनिंग्स बिल्ड करने की जरूरत है इस समय कायम। और इस बार कलाई के उपयोग से ग्लांस किया सुंदरता के साथ, गेंद सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, चार रन। और यहां पर बैट का भारी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से कैच छूट गया। बहुत ही किस्मत की बात रही भारत के लिए, दिखाई दे रहा है। और ये वो कैच जो पकड़ी जा सकती थी, और अगर ये कैच पकड़ लेते तो ये मैच सील हो जाता। कलाई का हल्का उपयोग और केवल शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, पहला रन तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही बुद्धिमानी का विकेट के बीच में दौड़ का प्रदर्शन निकाली। और जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, बैट का ऊपरी हिस्सा, और जिस इंटेलिजेंट कैप्टनसी की हम बात कर रहे थे वो देखिए मैदान पर नजर आई। युवराज सिंह ने जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश की ऑन साइड पर, बॉल घूमी नहीं और पीटरसन का गैम्बल सफल हुआ। ये ड्रिफ्ट मिल रहा था, हमने देखा था, और गेंद के पिच तक नहीं थे, ऑन साइड में छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बैट का बाहरी हिस्सा लगा, शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच के रूप में गई। ये पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, चार रन। ये बहुत जल्दी गेंद के लेंथ को पहचान लिया, तो उतनी शॉर्ट थी नहीं लेकिन फिर भी गेंद के लेंथ को जल्दी पहचान लिया था, इसलिए बहुत जल्दी पोजिशन में आकर बहुत बढ़िया पुल किया चार रन के लिए। जी हाँ, एक पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, और बिल्कुल बहुत सही आपने पहचाना, बहुत जल्दी पिक किया था इस लेंथ को। और इरफान पठान ने आगे निकल कर आए ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर के
ऊपर से जाने के लिए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। 3.1 ओवर में पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया था, करारा चौका। ऐसे आप चौके जब लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, साथ में आपको लगता है कि ये 12.41 रन प्रति ओवर यहाँ से बनाने हैं। ये बैक फुट पर गए, पुल किया ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन पर्याप्त समय था और फिर ताकत के साथ पुल कर दिया। टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत, ये शॉर्ट पिच थी और बैक फुट पर जाकर पुल किया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार जैसे ही आगे की उन्होंने फिर से खूबसूरती के साथ ये मिड विकेट पर रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हाथों से टकराने के बाद फिर बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, फिर से 4 रन। बढ़िया स्वीप शॉट और स्क्वेयर के सामने खेला गया, तो पता चलता है कि इतनी अच्छी तरीके से बॉल की लेंथ को पढ़ा था, बहुत बढ़िया प्रयास वहां पे। फिर से दूसरा स्वीप और ये तीसरा, बड़ी हिट मारने की कोशिश, हवा में गेंद है, राइट साइड बॉटम के हाथ से छटक गई गेंद, लाइटिंग गेंद थी, गेंद के पिच तक नहीं थे, सिर ऊपर चला गया था, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और ये कैच सीधा हाथ में आया था साइड बॉटम के, बाउंड्री लाइन के ठीक नजदीक से। ये थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बैक फुट पर जाकर ऑफ साइड में कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। फिर से वो इसी तरह का स्ट्रोक, इस बार स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और फिर 4 रन चाहिए भी भारत को एक पड़ा हुआ। और इस बार कवर के ऊपर से स्लैश किया और ये 6 रन, अद्भुत स्ट्रोक। अनअकैडमी क्रैकिंग 6, इंतजार कर रहे थे बैक फुट पे शॉर्ट पिच गेंद और कभी भी आसान नहीं होता स्क्वायर कट पे छक्का मारना। पता चलता है कि एक खिलाड़ी के हाथ में कितनी ताकत है और कितनी बढ़िया टाइमिंग है। यूसुफ पठान थोड़ा सा टारगेट करेंगे, सीधे हाथ के बल्लेबाज हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, यहाँ पे गैप में नहीं है गेंद, डर मैडी नीचे ट्रेडमिल, टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को यूसुफ पठान और वहां पे एक अच्छा कैच पकड़ा डैरेन मैडी ने। बाकी खिलाड़ियों को दिक्कत हो रही थी अंडर लाइट कैच पकड़ने के लिए, उनको सेटल ना करने दे, बड़ी बड़ी हिट लगाने की कोशिश करें। इस अंदाज से क्या ये होगा अनअकैडमी क्रैकिंग 6, बिल्कुल क्या गजब का स्ट्रोक। एक्सपर्ट के साथ जो मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में फिलहाल, तो नजर डालिए इस शॉट पे, इरफान पठान है तो मुमकिन है अनअकैडमी क्रैकिंग 6। बहुत बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, क्या बढ़िया पोजीशन में आए थे। इस बार नमन ओझा, दूरी नहीं मिली है और विकेट मिल गया है। जेम्स टिंडल, 2-time ओलंपियन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन को हॉकी में रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर, 2 ओलंपिक्स में, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा उन्होंने। पैड भी एक तरफ का पहले पहनते थे हमेशा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़ी हिट जिसकी मैं बात कर रहा था कि उनमें वो क्षमता है कि बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। और मुझे तो लगा इतनी ऊंचाई बॉल ने ले ली कि ड्रोन को ही नीचे लेकर आती साथ में, ड्रोन कैमरा को। यंग अकेडमी सबसे बड़ा 6 था। मैच खत्म नहीं हुआ है लेकिन नामुमकिन नहीं पर मुश्किल बहुत, लेकिन क्या उसको कारगर कर सकते हैं इरफान पठान, अनअकैडमी क्रैकिंग 6। इस समय खेल रहे हैं, इस बार ऑप्शन के ऊपर ये बॉल थी, एक और अनअकैडमी क्रैकिंग 6, 2-2 सब पारी के चलते। डाउन द ग्राउंड फील्डर है, 50 रन लेकिन पूरे इरफान पठान के 30 गेंदों में बनाए ये 50 रन, जिसमें 4 चौके और 4 सिक्सेस शामिल। सराहना करते हुए ये विद द टर्न, हवा से बातें करते
का शॉट अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स मनप्रीत कोहली के बल्ले का बढ़िया ओवर घट रहा है ये 19 ओवर अभी तक इस ओवर में बटोर लिए हैं और इतने ही चाहिए एक ओवर में एक और सिक्स यहां से लगा ले तो फिर आखिरी दो ओवर्स में वो जो आप बात कर रहे थे 30-35 रन बनाने की जरूरत पड़े तो बना जा सकते हैं हासिल कर सकती है टीम ऊंचाई मिली लेकिन मौका है इंग्लैंड लेजेंड्स के पास यहां जो हाथ से जाएगा शॉट और चार रन मिलेंगे मनप्रीत कोहली को समर्थक भी फील्डर है डीप में लेकिन छह और ये दोनों जिस तरह से पॉजिटिव मोड में बैटिंग कर रहे हैं वो उम्मीदें जगा दी है इन्होंने हालांकि ये टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी जाइए लेकर आइए ओ ये देखिए 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई 51 रन जोड़े हैं इन्होंने आठवीं विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों ने केवल 20 गेंदों में आपको पावर हिटिंग चाहिए ये लीजिए पठान तैयार अच्छी यॉर्कर ढूंढ रहे थे लेकिन यहां पे कम से कम दो मिलेंगे बेहतरीन फील्डिंग डैरन मैडी की लाइव एक्शन पे वापस हाई फुल टॉस थी यहां पे दूरी नहीं मिली है और मुझे तो इंतजार है अंपायर के संकेत का कि क्या ये फुल टॉस वेस्ट हाइट के ऊपर थी वही चेक कर रहे हैं अंपायर अमीश ताइबा फुल टॉस खराब गेंद सही नसीहत और जबरदस्त शॉट ऑन एकेडमी क्रैकिंग सिक्स 9 रन और जो हम सुबह बात कर रहे थे उम्मीद कर रहे थे कि ये सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा और सबसे एंटरटेनिंग मैच होगा और एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच निकाल के ले गई इंडिया के हाथों से ऑन द ग्राउंड दो की कॉल होगी लेकिन मिलेगा केवल एक जी हाँ और इस लाइन की मैं बात कर रहा था ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखेंगे गोनी के हिटिंग जोन से नो बॉल नहीं और इसीलिए एक ही रन और मैच झोली में इंग्लैंड लेजेंड्स की 35 नाबाद और फिर धोनी के लेकिन इंडियन टीम को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैच बनाया उन्होंने उम्मीद कर रहे थे कि इतना बड़ा टारगेट चेस करते हुए सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग के बैट से रन आएंगे तभी होगा